नमस्कार छात्रों, आज मैं व्याख्यानमाला के अगले चरण में भ्रमर गीत की सप्रसंग व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। भ्रमर गीत की पद संख्या 205 है, उसकी व्याख्या मैं करने जा रही हूँ। उद्धव जो हरि हितु हमारे, हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव को अपना हितेशी मानती है और इस पद में उसी से वे निवेदन कर रही हैं कि यदि हमारे जो हरि हितु हमारे हमारे श्री कृष्ण हैं, वो यदि आपके हितेशी हैं तो तुम कहियो जाए कृपा के, तो कृपा करके आप उनसे जाकर के ये कहिएगा, ये निवेदन करिएगा कि जे दुख सभी हमारे, कि हम सभी इतनी दुखी हैं वियोग के अंदर, जब से आप हमसे अलग होकर के मथुरा गए हैं तब से हम आपके वियोग में विरहाग्निस में जल रही हैं। तन तरुवर जो जरती विरहिणी, जिस प्रकार की तुम दब क्यों हम जारे, कहने का मतलब ये है तन तरुवर शरीर रूपी पेड़ है वो यूँ जल रहे हैं विरह के अंदर, जैसे कि जंगल के अंदर दावाग्नि लग गई है। जंगल के अंदर दावाग्नि लगने से जिस प्रकार पेड़ जल जाते हैं, उसी तरह हम विरहिणी आपके विरह के अंदर हमारा शरीर रूपी वृक्ष है वो जला जा रहा है। नहीं सिरात, न तो ये विरहिणि है, ये दावाग्नि है, ये ठंडी हो रही है, न तो हमारा शरीर ठंडा ही पड़ रहा है, नहीं जरत झारवे और नहीं ये जलकर के राख हो रहा है। सुलगी सुलगी भयकारे, ये तो अंतराल से सुलग सुलग करके काला होता जा रहा है, जैसे जंगल की दावांगनी के अंदर पेड़ पौधे हैं वो जल जल के राख हो जाते हैं या काले पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर आपके वियोग में विराग्नि के अंदर सुलग सुलग के काला हो गया है। यद्यपि उमंगी प्रेम जल भिजवत बरख ही घनतारे, यद्यपि उमंगित होकर के पुतली रूपी नेत्र रूपी तारे हैं, नेत्र रूपी पुतली है, उससे प्रेम रूपी जल बरस बरस के इस आग में गिर रहा है और इस आग को भिगो रहा है, फिर भी ये आग है वो ठंडी नहीं पड़ रही है, अतः विरह की आग है वो बुझती नहीं है, वरन वह जली हुई आग और भी अधिक चरपरी हो जाती है, और भी अधिक भड़कीली हो जाती है। जो सींचे यही भांति जतन करी तो इतने प्रतिपारे, जो सींचे यही भांति जतन करी तो इतने प्रतिपारे, आपने जिस शरीर को इतने यत्नपूर्वक पाला पोषा और प्रेम जल से सींचा था, वह अब विराग्नि के अंदर जल रहा है, विराग्नि से जल रहा है। कीर कपोत कोकिला खंजन अधिक बधिक वियोग विटारे, जिस प्रकार की जंगल के अंदर बधिक के डर से, भगेलिए के डर से वो तोता कबूतर कोयल और खंजन पक्षी हैं वो डर के मारे उड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वियोग की दावाग्नि में, वियोग की आग अग्नि के अंदर हम विरहिणी हैं, हम गोपियां हैं, हम विरहिणी हैं, हम भी पक्षियों की भांति डर गई हैं और जल रही हैं। हमारे वे शरीर जिनको आपने इतने यत्न करके सींचा था, इस शरीर रूपी वृक्ष पर तोता कपोत कोयल और खंजन आदि पक्षियों का प्रतिपालन होता रहता था, पर वियोग रूपी बधिक ने इन सब को
भगा दिया है। तात्पर्य ये है कि गोपियों की नाक मानो तोता है, गर्दन मानो कबूतर है, वाणी मानो कोयल है और नेत्र मानो खंजन पक्षी है। वियोग के कारण इनकी शोभा नष्ट हो गई है। जैसे कि बदिक को देखकर पक्षियों का समूह डरकर दूर हो जाता है, गोपियां कहना ये चाहती है कि वियोग दुख के कारण हमारा शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो गया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, इन दुखन क्यों वीर जिए ही सूर प्रभु ब्रज के लोग विचारे, कि ये ब्रज के जो दयनीय लोग हैं ये दुख के अंदर किस प्रकार जिएंगे। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से कहना कि ब्रज के लोग इन दुखों को भोग रहे हैं, भला वे अब कैसे जीवित रह सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के अभाव में ब्रज के लोग हैं वो जीवित नहीं रह सकते। कीर कपोत को किला खंजन में रूप का अतिशोक्ति अलंकार है तथा इसी में कै की आवृत्ति से वृत्यानुप्रास है। अतः यहाँ पर दो अलंकारों का नीर छीर की तरह से मेल हुआ है, ये समष्टि नामक उभयालंकार मानना चाहिए। नहीं निरात नहीं जरत, नहीं सिरात नहीं जरत झारवे सुलगी सुलगी भयकारे, यद्यपि उमंगी प्रेम जल भिजवत बरखी घन तारे। उपयुक्त पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है। जल की वर्षा से भी अग्नि नहीं घुसती है, हेतु के होने पर भी फल का अभाव है, विशेषोक्ति ही है यहाँ। अन्य विशेषोक्ति है। तन तरवर घन तारे बदिक योग निरूपक अलंकार है। नेक्स्ट अगला पद है पद संख्या 206। उदो तुम आए कि ही काच, उद्धव हित की कहत अहित की लागत बकत न आवत लाज। उद्धव की अनर्गल बातों को सुनते सुनते गोपियों को झुंझलाहट आ जाती है और वे उद्धव को फटकारते हुए कहती है कि हे उद्धव, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तुम आए कि ही काज, आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? हम आपके हित की बातें कहती हैं, हित की कहत हम आपके हित की बातें कहती हैं, पर आपको वे बातें बड़ी अहितपूर्ण लगती है। अहित की लागत, हित की कहत अहित की लागत, हम जो बातें हित की आपको कहती हैं वो आपको बड़ी ही अहित की बातें लगती है, अहितपूर्ण लगती है, और आप पुनः अपनी बात कहने लगते हैं। बकत न आवत लाज, और आप अपनी अपनी कहते जाते हैं, अनर्गल बातें कहते जाते हैं। क्या आपको इस तरह से बकवास करते हुए शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? आप उनको उपचार करो कछु, कछु आप हे उद्धव अपना इलाज कीजिए। आपकी मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, आप जाकर के अपना इलाज कीजिए, तब औरनी सीख देव, तब जाके आप औरों को शिक्षा देना, औरों को सीख देना। मेरे काहू सत्वर हो यही सियरे गेहूँ, गहो सियरे गेहूँ। यदि आप ठीक समझते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही चले जाओ और ठंडे ठंडे में अपने घर का रास्ता पकड़ लो। गहो माने पकड़ना, सियरे माने ठंडे ठंडे, गेहूँ माने घर का। मेरे कहे जाओ सत्वर ही, आप शीघ्र ही चले जाओ, मेरे कहने से आप शीघ्र ही चले जाओ और ठंडे ठंडे ही अपने घर का रास्ता पकड़ो। हाँ भेषज नाना विधि के अरु मधुरीपि से हैं वेद, हाँ भेषज नाना विधि के, मथुरा के अंदर नाना प्रकार की औषधियाँ हैं, आप अपने रोग को ठीक करो। ये तो गांव है, ब्रज तो गांव है, यहाँ पे औषधियों का अभाव है, किंतु आप मथुरा जाइए,
और मथुरा में आप जाकर के अपना इलाज कराइए। वहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ हैं और श्री मधुरिपु से हैं वेद और श्री कृष्ण जैसे वेद हैं। हम कातर डराती अपने सिर कहु कलंक के हम दुखी हैं और डर रही हैं कि हम अपने सिर पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगाएंगी। साची बात छाड़ी अब झूठो कहो कौन विधि सुनिए। सत्य बात तो आपने कहनी छोड़ दी है और जो भी कहते हैं आप झूठ कहते हैं। इस प्रकार की झूठी बातें कौन सुनेगा। सूरदास मुक्ताफल भोगी हंस वहनी क्यों चुनिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो जिस प्रकार की हंस का व्रत है कि हंस मोती चुगे के भूखे रह जाए और वह अपने स्वभाव से मोती खाता है, वह किसी भी दशा में अग्नि को नहीं खा सकता है। इसी प्रकार हमारा भी व्रत है कि हम एकमात्र श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। आपका निर्गुण ब्रह्म हमारे प्रेम का आधार किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता। उद्धव तुम कइयो हरिसों जाए हमारे जिए को दर्द। हे उद्धव, गोपियां कह रही है अत्यधिक व्यथित होके कि आप जब श्री कृष्ण के पास जाएं तो वहां जाकर श्री कृष्ण से हमारे हृदय की पीड़ा है, हमारे हृदय का जो दर्द है उस दर्द का निवेदन कीजिए, उसके बारे में बताइए। दिन नहीं चैन हमें दिन में भी चैन नहीं पड़ता है, रैन नहीं सोवत रात्रि में हम सो नहीं पाती हैं। पावक भई जुनैया शरद और शरद ऋतु की चांदनी भी हमें अग्नि के समान जलाने वाली दाहक लगती है। जब ते अक्रूर ले गए मधुपुरी भई विरह तन बाय शरद। जब से अक्रूर जी हैं वो मधुपुरी मतलब मथुरा लेकर के श्री कृष्ण को गए हैं, तभी से हमारा शरीर है वो विरह के अंदर जल जल के एक बाय का रोग हो गया है, एक प्रकार का रोग खड़ा हो गया है और इस रोग के अंदर बहुत अधिक बेचैनी होने लगती है और इसमें उल्टियां होती है। किनो प्रबल जगी अति उधो सोचन भई जस पीरी हरद। हे उद्धव, आपने जो निर्गुण की उपदेश रूपी औषधि हमको दी उससे हमारे रोग ने और भी प्रचंड रूप धारण कर लिया है। सोचते सोचते हमारा शरीर ऐसे हो गया है जैसे पीली हल्दी होती है। विरह तन बाय निशोचन भई जस पीरी हरद। पीरी हरद माने पीली हल्दी, जैसे पीली हल्दी होती है। सखा प्रवीण, हे सखा उद्धव, आप तो चतुर हैं, निरंतर ही तुम ताते और निरंतर ही श्री कृष्ण के साथ रहने वाले हैं। कहिए तो खोली परत, इसलिए हम भी आपसे हैं वो पर्दा खोल करके कह रही हैं। अतः हम किसी प्रकार का दुराव नहीं कर रही हैं और आपको हमारी आंतरिक जो दशा है उसका वर्णन कर रही हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से के हे उद्धव, स्वार्थ रूप दर्शन बिन हरि के सूर मूरी नहीं यो सुरद। हमारे रोग की औषधि श्री कृष्ण का दर्शन रूपी काढ़ा है, काढ़ा ही है। क्वार्थ रूप दर्शन बिन हरि के। रूप दर्शन है श्री कृष्ण का, सौंदर्य है रूपी जो काढ़ा है, उसके बिना ये मूरी माने ये रोग है वह ठीक नहीं होगा और न ही हमारा हृदय है वह स्वस्थ होगा। भाव ये है कि हमको श्री कृष्ण के दर्शन कराइए, निर्गुण के उपदेश से हमारा दुख और भी अधिक बढ़ता है। क्वार्थ शब्द का प्रयोग काढ़े के लिए होता है। वेदक के ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। उदाहरण के लिए सन्निपात रोग के निवारण के लिए रसराज
महोदधि नामक ग्रंथ में क्वार्थ का वर्णन किया गया है। रूपक अलंकार दृष्टि हुए विरह का बाय में रूपक बांधा गया है। धन्यवाद। नहीं नहीं इनके इनका वीडियो है छात्रों में डॉक्टर सिद्धि जोशी आपके समक्ष प्रस्तुत होकर के भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या करूंगी। आज व्याख्यान माला में 202 पद की व्याख्या है जो इस प्रकार है, उद्धव तुम ही हो सब जान, जान मन होता है सुजान चतुर। गोपियां उद्धव से कह रही है, हे उद्धव आप तो सब तरह से बड़े चतुर हैं, तुम ही हो सब जान, तुम भली प्रकार से चतुर हो, सब आप सब बातों को जानते हैं। उद्धव आप सभी बातों को जानते हैं और आप तो सब तरह से बड़े चतुर हैं, हमको सोई सिखावन दीजिए नंद सुवन की आन। चल भाई, तो यहाँ है